देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, 8 मार्क्स के लिए। कई बार यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। सो दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड बाई ए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलेगा वहां कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा देंगे तो ये मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होगा, है ना। एंड हैंस ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का अपने को इनवर्स निकालना है। एक ही साथ दो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला तो आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा, इसको ये क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगा वो सेटिस्फाइड बाई ए होगा, क्वेश्चन नंबर टू। और तीसरे में आपको इसका इनवर्स निकालना है। तीन क्वेश्चन इसके साथ है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। फर्स्ट में है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू जीरो। इसको आप डिटेल्स में सॉल्व कर लीजिए या सीधा सीधा डायगोनल्स में आप लेमडा को माइनस कर लीजिए। आई मतलब क्या होता है, 1 0। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा हो जाएगा, लेमडा इंटू आई लेमडा हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ठीक है। इसको ए में से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ माइनस होगा तो 1 माइनस लेमडा। फिर 0 माइनस होगा 3 से तो 3 ही आएगा। 7 में से भी 0 माइनस होगा तो 7 ही आएगा। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही आएगा। और ये 2 में से लेमडा माइनस होगा, 2 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस लेमडा। आपको क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स जो, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के डायगोनल में से आपको लेमडा लेमडा माइनस कर देना। यही होता है ए माइनस लेमडा आई, है ना। इसको 0 से इक्वेट करा देंगे। अब डिटरमिनेंट्स को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, 1 माइनस लेमडा, इसमें क्या आ जाएगा, इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा ये आ जाएगा, और माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है, -3, ये इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस लेमडा ये, और इसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 7 आएगा, प्लस में 7, इसके लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा ये, और ये -1 इंटू 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। आप इसको रफ में पूरा सॉल्व कर लीजिए, है ना। उसके बाद डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन को यहाँ लिख दीजिए, या आपको इसका आंसर ही देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ या आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा -लेमडा, हो जाएगा लेमडा लेमडा स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा, और हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो जाएगा -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 लेमडा -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 -2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, और ये हो जाएगा प्लस लेमडा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको इस साइड। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा लेमडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 लेमडा, और ये -6, ये -4 आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा -4 लेमडा, और -4 -3 -1 आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा +7, और ये आ जाएगा लेमडा, और ये आ जाएगा 8 माइनस 2 +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा
लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा क्यूब, इसका इसके साथ होगा तो प्लस 3 लेमडा स्क्वायर, और इसका इसके साथ होगा तो प्लस 4 लेमडा, इसका इसके साथ के सिंप्लीफिकेशन होगा तो 12 लेमडा, इसके साथ होगा तो प्लस 3, ये हो जाएगा 7 लेमडा, ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3 लेमडा, सॉरी इसके बाद लेमडा स्क्वायर देखेंगे तो लेमडा स्क्वायर में ये आ जाएगा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर, और लेमडा स्क्वायर यहाँ पास एक है तो ये आ जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर, फिर लेमडा देखिए यहाँ पास है, यहाँ पास है और यहाँ पास है, यहाँ है 12 4 16, 16 4 20 23, ये आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस 20 लेमडा, और जो कांस्टेंट बचे हुए हैं उसको देखिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 41 प्लस 41 इक्वल्स टू 0। इसको एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, 4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 1 आएगा, ये प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो कांस्टेंट में आएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकलेगा, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, इसको आप माइनस को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा माइनस 35 इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन को और अच्छे से चेक कर लेंगे, इसको आप रफ में भी बना करके डायरेक्ट सॉल्यूशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस का आप ख्याल रखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना था कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होता है, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अपने को क्या करना है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में वी हैव टू सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई ए, मैट्रिक्स ए ए से सेटिस्फाई होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेमडा की जगह में आप ए लिखिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस माइनस 35, कुछ भी नहीं है तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, 35 i इक्वल्स टू 0, या 35 लिख सकते हैं नंबर में, और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 35 i लिख सकते हैं, i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके द्वारा सेटिस्फाई होता है, ये अपने को शो करना है, या यही केले हैमिल्टन थ्योरम है कि इसका अपन यहां से यहां तक कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है जीरो आना चाहिए, ये रिजल्ट जीरो आना चाहिए इसका, ये अपने को दिखाना है, तब ये हो जाएगा कि ये केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या ये सेटिस्फाइड बाई मैट्रिक्स ए होता है। इसको अपने को मतलब ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए निकालेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 का, यहाँ 20 का, 35 i निकालेंगे, पूरे को प्लस माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, अब अपने को करना क्या है, यहाँ से ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो ए क्यूब निकलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पूरी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ए क्यूब निकालने का तरीका क्या है, ए क्यूब या ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है, आप सीधा सीधा साइंटिफिक कैलकुलेटर से ए क्यूब निकाल सकते हैं, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर को भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की
हेल्प से कर सकते हैं। यदि मैनुअली करना है तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी को आप निकाल लेंगे। जैसे मैं ए स्क्वायर निकालना सिखा दे रहा हूँ आपको, तो आप ए क्यूब निकाल लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ही करना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो आपको केवल सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट में आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से कर लेंगे। जैसे मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए होगा, तो हो जाएगा 1 3 7 4 2 3, हो जाएगा 1 2 1। फिर इसका ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1 3 7 4 2 3 1 2 1, ठीक है। अब ये रो है, इस कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो सिंगल एलिमेंट बनेगा। इसका 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 जा 1, इसका 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 14। फिर इसका इसके साथ कीजिए तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। सॉरी, फिर सेम जैसा इस रो के लिए किए वैसा इस रो के लिए भी करेंगे। इस रो का इस कॉलम के साथ होगा पहले, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ऐसा हो जाएगा। फिर इसका थर्ड रो कॉलम के साथ होगा तो 28, 4 7 जा 28, 3 2 जा 6, और हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब सेम वैसा थर्ड रो के साथ भी चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, प्लस 2 4 जा 8, प्लस ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ये सेकेंड कॉलम के साथ अब चलेगा, सेकेंड एलिमेंट बनेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। ये इसके साथ चलेगा 7 1 जा 7, ये 3 2 जा 6, प्लस 1 1 जा 1। अब सभी को आप सम करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 4 16 4 20 22, ये हो जाएगा 28 2 30, 31 36 37, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, और ये जाएगा 14। आप एक बार इसको चेक कर लेंगे, ये आपका निकलेगा ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको। इसी तरीके से आप ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कीजिए, या तो जैसे मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, और इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आपका ए क्यूब ही निकल जाएगा, ठीक है। मैं ए स्क्वायर और ए क्यूब को एक साथ लिख दे रहा हूँ यहाँ, ए उसके बाद ए स्क्वायर इसको लिख दूंगा, फिर ए क्यूब का क्या रिजल्ट आता है आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से या रफ में बना लीजिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आप मैच करवा लीजिए जो मैं निकाला हूँ। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब को, हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हो, तो आप उसको देख लेंगे, सुधार करके बना लेंगे। मेरे ख्याल से ये ए आएगा, ये ए स्क्वायर मैं निकाल के बताया हूँ, और ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेट आएगा वो नंबर। अब क्या करना है अपने को, ये जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बाद जो अपने को मैट्रिक्स मिला, ये जो है ए से सेटिस्फाई होगा। मतलब ये आप ए क्यूब यहाँ रखिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है ना। तब वो मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाइड कहलाएगा। आप ए क्यूब का मान रखिए, ए क्यूब का मान आपके पास है, देखिए कितना है, 135, 140, और ये है 60, ये है 152, ये है 163, ये है 76, ये है 232, और ये है 208, और ये है 111, ठीक है। 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40,
ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 36, और हो जाएगा 96 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 की 8, हाथ में 2, चार चौ 148 और ये 56, ये आ जाएगा 4a² का। 20a में 20 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, ठीक है। और माइनस 35 आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये 1000001001 में आप 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35000035000035 ऐसा आएगा। अब ये तमाम को एक साथ आप कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप एक एक करके कर लीजिए। ये आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, माइनस कैसा होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से माइनस होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ये ऐसा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट, सभी का सेकेंड एलिमेंट लगेगा, -96 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 232 -96 -140 -0। ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 140 -60 -80, ये -60 है, -80 और ये आ जाएगा 0। ये वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा, 163, ये आ जाएगा -88 और ये आ जाएगा -40, -40 ये आ जाएगा -35। ये वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा, 208 -148 और ये आ जाएगा -60 और ये आ जाएगा -0, थर्ड एलिमेंट -0, ठीक है। लास्ट में कितना आ जाएगा, 60 -40 -20 -0, ये वाला एलिमेंट कितना होगा, 76 -36 -40 -0, ये आ जाएगा 111 -56, ये आएगा -40, 56 -20 और -35, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका जब आप ये 4a² करेंगे, ए स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 23 × 4 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 92, इसके बदले में मैंने लिख लिया है 96, इसको 92 कर लीजिए, ये 92 है तो यहाँ पास 92 आ जाएगा, 92 और ये 92 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 135, ये भी 135, ये 0 मिल गया, 140 140 0 मिल गया, ये 60 -60 0 मिल गया, ये हो गया 152 152 0 हो गया, ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी 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 0 हो गया, पूरे एलिमेंट 0 हो गए, मतलब इसका पूरे का रिजल्ट 0 आ गया। हेंस इट सेटिस्फाइड बाई मैट्रिक्स ए, ए से सेटिस्फाई होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है कि ए का इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स कितना आएगा, आप देखिए इसका इनवर्स निकाल रहा हूं, जो थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए इसका इनवर्स निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स निकालना है अपने को, तो क्या करते हैं, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, वी गेट
इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस 20 ए इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा 35 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों कैलकुलेट होंगे तो माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर ए और ये हो जाएगा माइनस 20 आई, ए और ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 20 आई आएगा और आई इंटू ए इनवर्स ये वन की तरह बिहेव करता है, ये वन की तरह, तो ये ए इनवर्स ही हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ए इनवर्स को एक साइड ले आइए, इसका साइड को चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 35 ए इनवर्स, ये उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया और इधर ये सब बचा रह गया ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 20 आई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 35 ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपके पास कितना है देखिए, ये हो जाएगा 20 23 23, हो जाएगा 15 22 37, ये हो जाएगा 10 9 14, माइनस 4 ए, ए में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 16 4 12 8 8, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 20 आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा 35 ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं, 20 माइनस 4 माइनस 24, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 20 माइनस 4 माइनस 20, तो 24 ये तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। 23 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, 23 में से 12 गया तो 11, ये 11 आ जाएगा। 23 में से 28 गया तो कितना बचा, -5। ये पूरा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, रफ में कीजिए और उसके बाद मिलाइए आंसर से। अब इसमें देखिए 15 माइनस 16 तो हो गया -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 37 माइनस 12 माइनस 0, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14 माइनस 4 माइनस 20, 24 माइनस इतना माइनस 10, ये आया आपका 35 ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। आप एक बार और अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो आप उसको सुधार लीजिएगा। अपने को ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स तो सेम रहेगा, 1/35 इधर आ जाएगा, बस 1/35, बाकी ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, -4 11 -5 और हो जाएगा -1 -6 25 और ये हो जाएगा 6 1 -10, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन में प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनटू करने में, नहीं तो मिस्टेक होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।